स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने ध्वजारोहण के बाद उपस्थित कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। साथ ही जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने उपस्थित कर्मचारियों को खुद तंबाकू का सेवन न करने और दूसरों को भी तंबाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजी के निर्देशानुसार तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में यह अभियान चलाया जा रहा है। न हम गुटखा या तंबाकू का सेवन करेंगे और न ही किसी को सेवन करने देंगे, और अगर कोई सेवन कर रहा है तो उसको प्रेरित करेंगे कि तंबाकू के सेवन से कितने नुकसान है और इसका इस्तेमाल बंद करिए। इस संबंध में चिकित्सालय पर येलो लाइन लगाए गए हैं कि इसके बाद यह तंबाकू निषेध क्षेत्र है, यहाँ पर मरीज या उसके तीमारदार कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। इस अवसर पर अरविंद पांडे, रामेश्वर मिश्रा, डॉक्टर आई वी विश्वकर्मा सहित अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, जय मैं संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनैतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। सभी जानते हैं कि तंबाकू पर स्वास्थ्य के कितने आघात है, इस पर शासन का बहुत जोर है। इसके लिए शपथ लिया गया, शपथ मैं शपथ लेता हूँ कि अपने कार्यालय गांव गांव शहर शहर को धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त बनाए रखने के सच्चे मन के साथ सक्रिय रूप से भाग लूंगा। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सेवा नहीं करूंगा।